हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल शर्मा हेल्थ में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिनॉर्म टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पेरिनॉर्म टैबलेट नॉर्मल उल्टी में यूज किया जाता है, बट दोस्तों और भी किन किन बीमारियों में इस टैबलेट को यूज किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आखिर पेरिनॉर्म होता क्या है? दोस्तों, पेरिनॉर्म एक एंटीमेटिक दवा है जो डोपामाइन रिसेप्टर के समूह से संबंध रखती है। इसका इस्तेमाल मतली और उल्टी के लिए किया जाता है। अगर आपको सफ़र के दौरान उल्टी या मितली होती है, तो सफ़र स्टार्ट करने से पहले आप एक गोली खा लें, आपको मितली या उल्टी नहीं होगा। माइग्रेन, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बाद होने वाली मितली को रोकने के लिए डॉक्टर इस दवा का सलाह देते हैं। इसके अलावा पेरिनॉर्म को पेट से संबंधित समस्या, गैस्ट्रिक, हिचकी और आंतों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेरिनॉर्म टैबलेट में दोस्तों, जैसे कि यहाँ देख रहे हो, मेटोक्लोप्रामाइड सॉल्ट होता है, जिसे डोपामाइन रिसेप्टर विरोधी माना जाता है। पेरिनॉर्म में मौजूद एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज डोपामाइन के कारण गैस्ट्रिक में होने वाले ऐंठन को रोककर मांसपेशियों को आराम दिलाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में मांसपेशियों में होने वाले दर्द व डोपामाइन के कारण उत्पादित चिकनाई को कम करके यह दवा कोलिनर्जिक प्रभाव को बढ़ावा देती है। इस प्रक्रिया के दौरान आंतों व पेट में मौजूद गैस रिलीज होने लगती है, जिससे मतली और उल्टी होने की अनुभूति कम हो जाती है। आमतौर पर इस दवा की टैबलेट के दिन में 4 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसका सेवन खाना खाने और रात को सोने से पहले करना चाहिए। दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। पेरिनॉर्म का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? पेरिनॉर्म टैबलेट की खुराक डॉक्टर के द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार ही लें। अगर आप किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं या उसका इलाज करवा रहे हैं, तो इसका उपयोग करते समय अधिक सावधानी बरते। बेहतर जानकारी के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। आप चाहें तो इस दवा को खाना खाने के बाद या पहले भी ले सकते हैं। हालांकि अगर आपके डॉक्टर आपको किसी अन्य समय पर खुराक लेने की सलाह देते हैं, तो उनके द्वारा निर्धारित समय पर ही दवा लें। पेरिनॉर्म टैबलेट को चबाने व तोड़ने की बजाय उसे सीधा निकलने की कोशिश करें। अगर आपको पेरिनॉर्म की सही खुराक के बारे में नहीं पता है, तो आपको इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, इसको यूज करने के कभी कभार थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना, नींद की परेशानी, अनिद्रापन, बेचैनी, डिप्रेशन होना, शरीर की बेकाबू हलचल, तेज बुखार, कपकपी, त्वचा पर चकते, पित्ती, अनियमित दिल की धड़कन। दोस्तों, पेरिनॉर्म 10 mg टैबलेट के उपयोग से बचे। यदि आपको कोई एलर्जिक है या आपके आंतों या पेट में रक्त स्राव या रुकावट है, या आपको मिर्गी, दौरे, किडनी लीवर या पार्किंसंस रोग है, या आपको बीपी की शिकायत है, यानी कि आपकी बीपी हाई रहती है, तो आप इस टैबलेट का यूज़ ना करें। स्तनपान, कैंसर व डिप्रेशन में भी इसको नहीं दिया जाता है। क्या दोस्तों, इसको प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको कहूँगा, बिल्कुल इसको प्रेगनेंसी में यूज किया जा सकता है, बट इसको अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लें। डॉक्टरी सलाह के साथ गर्भावस्था के दौरान पेरिनॉर्म का सेवन किया जा सकता है। इसका माँ और बच्चे पर प्रभाव कम पड़ता है। हालाँकि अगर आप स्तनपान करवाती हैं, तो पेरिनॉर्म के आप पर व शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। आपको इस दवा से परहेज करने की ज़रूरत है, इससे बच्चे में भी साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आइए दोस्तों, हम इसके पैक की बात करें। तो दोस्तों, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होता है, जिसका प्राइस आप यहां देख रहे हैं 13 रुपीज़ है, और एक्सपायरी डेट दोस्तों 2022 से 2024, यानी कि दोस्तों 2 साल की एक्सपायरी डेट होती है, जो LPCA लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की बनी है।
दोस्तों पेरिनर्म टैबलेट आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और दोस्तों आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आप इस टैबलेट को डेली रोज़मर्रा के लिए यूज कर सकते हैं और अपने फर्स्ट एड में इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टैबलेट है। अक्सर जब आप सफ़र में ट्रैवलिंग करते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ख़ासकर उन लेडीज़ों के लिए जो सफ़र के दौरान ज़्यादा उल्टी करती हैं। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप जब भी कहीं सफ़र करें तो आप इस टैबलेट को ज़रूर यूज करें। आशा करता हूँ ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।